अल्हम्दुलिल्लाह साडा पेंडू गोश्त माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना ते अल्हम्दुलिल्लाह तुसी भी ट्राई करियो ते जरूर सानू कमेंट्स बतायो कि साडा पेंडू गोश्त माशाल्लाह तुहानू किहो जिहा लगा। अगर चंगा लगे तो साडी वीडियो लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर करियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विलेज फूड देसी में आपका वेलकम करते हैं। तो आज हम आपके लिए बनाएंगे पेंडू गोश्त, जो बनाना बेहद आसान है और इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो हम आपको बताएंगे वीडियो में। तो हमने घी ऊपर रख दिया गर्म कर होने के लिए और इसमें डाला है प्याज। प्याज को थोड़ा हल्का ब्राउन करेंगे। ये असं पावे लसन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनू भी अं तगड़ा करके भुन लवेंगे। तो पेंडू चिकन की जी शान है वो लसन के अदरक नाल ही बनती है। तो इन चंगी तरह भुन के असं एक दो मिनट तक भुन लाने चाहिए। तो अदरक साढ़ा हूँ जरा वो भी हल्का ब्राउन हो गया। हूँ ये पाने असी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोश्त नाल असं फ्राई करा। तो जोड़ा साढ़ा पेंडू चिकन बनना बड़ा ही जबरदस्त बनना है, बड़ा ही मज़ेदार बनना है। अज खा के दसन कि पेंडू चिकन जरा पेंडू गोश्त बनाना है। भाई जी खा के दसन कि लगा जो तो चंगा लगा तो फिर तो सबसक्राइब बनता है। तो चिकन साडा हाफ फ्राई हो गया। हूँ ये असं पावे टमाटर। अच्छे चार टू पाँच ज्यादा टमाटर लैके इन्हों कट लिया मोटा मोटा रख के। तो यह हूँ ये पावे तो इन अच्छी तरह जरा पकावे कि जिनी देर तक यहाँ कैचअप ना बन जाए, यह अच्छी तरह बिच मिक्स ना हो जाए उन्नी देर जो पकावे। तो हूँ इनू असी उतू तीन तो चार मिनट लिए ढक देवे क्योंकि साडा टमाटर जो अच्छी तरह गल जाए तो जो चिकन साडा भी अच्छी तरह जरा इन्हों पक जाए। तो अलहमदुल्ला गोश्त साडा जरा इन्हों फ्राई हो गया। ये पावे असी तकरीबन एक चमचा जरा इन्हों लून पावे। तो चुटकी भर जी वो असं पावे हल्दी एक चूड़ी। तो कुटे का गर्म मसाला पावे एक चमचा। एक चमचा पावे कश्मीरी लाल मिर्च कुटी दी घर दी स्पैशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनू चंगी तरह रला लवेंगे गोश्त के गोश्त के नाल चंगी तरह मिक्स हो साडा पेंडू गोश्त बड़ा ही मज़ेदार बनने वाला। खुशबू तो माशाल्लाह वाह जी वाह, खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आनी दी है। तो हूँ असं ये पावे असियाँ लिया एक सैशे लिया कड़ाही गोश्त का। ये पावे जायका चेंज कर जैके मज़ेदार बनाने लई। हूँ इनू अच्छी तरह नाल मिक्स कर लवेंगे। अलहमदुल्ला साढ़े पेंडू गोश्त की माशाल्लाह खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आती भी है। उम्मीद अलहमदुल्ला तुहानू भी चंगा लगेगा। अगर तुहानू भी साडा अज का पेंडू गोश्त चंगा लगे तो साडी वीडियो लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करो। अलहमदुल्ला जोड़े मसाले ने साडे बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। तो देखो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त ग्रेवी बनी है। तो हूँ ये असं पावे अं 8 to 10 हरिया मिर्चा लिया सन इन्हों कट लिया सन। तो इन्हों पावे क्योंकि असी लाल मिर्च बिल्कुल घट पाई है। चाहते हैं कि असी काली मिर्च तो लाल मिर्च जी वो जैके लिए भी चंकी होंगी है, उंज भी यानी कि सेहत लिए चंकी होंगी है। यह देखो अलहमदुल्ला बड़ा ही जबरदस्त बड़ा ही खूबसूरत साडा पेंडू गोश्त माशाल्लाह
ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏਗਾ। ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਗਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਸਾਰੀ ਪੂੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਸਤੀ ਪਤੀਲੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਜੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਫਾ ਜੋੜੀ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਜੂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਬੇਤਾਬੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਖਾਈਏ। ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਗੋਸ਼ਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ